सुनते हैं। कहां की आवाज सुनते हैं? पर्ची की आवाज नहीं, अंदर की आवाज। इसलिए भैया अपनी भक्ति के बल पर फूलो, अपने भजन के प्रभाव पर फूलो, दूसरे के भजन के प्रभाव पर नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य ने क्या किया? नाम जप शुरू कर दिया और बलि को पुनः जीवित करके इंद्र पर युद्ध के लिए भेजा। तो उसका कारण क्या हुआ कि इंद्र को बलि ने पराजित कर दिया और इंद्रासन लेने के लिए यज्ञ करने लग गया। 99 यज्ञ कर लिए। जब सवां यज्ञ आया तब देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई और उनसे निवेदन किया, प्रभु आपके देवता बच्चे दर दर भटक रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? तो अदिति को कश्यप जी ने व्रत बताया। देखिए जिन माताओं की संतान नहीं होती है, भागवत जी में इस व्रत का वर्णन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक दूध पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का जप करें, अच्छे कर्म करें, नियत अच्छी रखें, तो ठाकुर जी ने चाहा तो जरूर आपके घर में कृष्ण का नहीं आएंगे। ठीक है, तो अदिति ने व्रत किया। उसका परिणाम ये हुआ, भादव के महीने में द्वादशी तिथि के दिन भगवान नारायण स्वयं वामन बन करके अदिति के घर में पधारे हैं। बोली वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान बन के आए और उसके बाद उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ। किसी ने जनेऊ कमंडल, किसी ने छाता, किसी ने कुछ दिया। देवगुरु बृहस्पति के पास गए, गुरुजी दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुजी ने कहा दक्षिणा में मुझे स्वर्ग की संपदा चाहिए। तो कहा ठीक है, किसके पास है? बोले बलि के पास। भगवान वामन बने बलि के दरवाजे पहुंच गए। जैसे ही वामन बने आए, बलि यज्ञ कर रहा था। अच्छा, बलि भी भगवान का भक्त है। बलि है प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र है राजा बलि। तो भक्त के घर में भक्त ही होता है ना? तो जहां भक्ति का माहौल होता है वहां बच्चे भी भक्त होते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मण बने भगवान जब दरवाजे पर आए, देखा तो कोई बड़ा सुंदर छोरा है। बलि प्रमुदित हो गए, कहा आहा बहुत सुंदर कोई बालक है, ये शायद यज्ञोपवीत हुआ है इसलिए कुछ लेने आया है। तो बलि महाराज यज्ञशाला को छोड़ दिए, पूजा कर रहे थे। देखिए कैसी होती है भक्ति, सेवा के नाम पर कारण मत बताना। कई कई लोग सेवा के नाम पर बहानेबाजी करते हैं। कुछ दान लेना हो फोन करो, भैया वो कथा चल रही उसमें ये सहयोग चाहिए। अरे महाराज बस अभी पूजा करके उठाऊं, थोड़ा बाहर निकला, अभी 3 बजे शाम को मिलूंगा, दोपहर को मिलूंगा, रात में मिलूंगा। जो सेवा के नाम पर, दान के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहानेबाजी करते हैं उनको ठाकुर जी कभी भी नहीं मिलते हैं। न भगवान मिलता है, न संसार की सुविधाएं मिलती है। बोले आरती करनी थी, बोले अरे आज तो बड़ा काम है, आज नहीं कल करेंगे। कथा में जाना था, पूजन में करना था, बोले आज नहीं कल करेंगे। जो कल कल बहानेबाजी करता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं। बलि को ये बात पता है, पूजा छोड़ के पहुंच गए राजा बलि। वामन भगवान से कहते प्रभु क्या चाहिए बताइए। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, कहा कि इतना सुंदर, देखिए भगवान की प्रतिभा छिप तो सकती नहीं, भले ही छोटे हो लेकिन सुंदर है किम न सुंदरम। अब सुंदर इतने कि सबको ही जान जाएगा, ठाकुर जी हमारे जैसे वामन बन के छोटे छोटे पाम, छोटे छोटे हाथ, 52 अंगुल के मोटी सी चोटी, कंधे पर जनेऊ, अधरों पर लालिमा, बड़े सुंदर लगे। तो शुक्राचार्य जी को दाल में कुछ काला लगा, तो नेत्र बंद करके देखा तो समझ गए ये दाल में काला नहीं, ये तो काला काला मुरली वाला है। अब ये मांगने नहीं, ये तो छलिया है, छलने आया है, महाठग एक नंबर का। बलि को बुलाया, बोले इधर आओ, बहुत दानी मत बनो। बोले क्यों? बोले ये छलिया है, भगवान विष्णु सब छल लेंगे। राजा बलि ने कहा गुरुजी यदि कोई ब्राह्मण होगा तो अभी दान लेकर के जाएगा, यदि साक्षात विष्णु होंगे तो दुनिया भी कहेगी धन्य है राजा बलि जिसके दरवाजे स्वयं भगवान मांगने के लिए भिखारी बन करके आए थे।